शासन प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने की बात कर रही है, लेकिन कोंडागांव विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत करणपुर से हीरा मांडला के बीच बनाए जा रहे प्रधानमंत्री सड़क योजना आज 2013 में चालू हुए, मगर आज भी शासन की लापरवाही के चलते अधूरे कंडीशन पर नजर आ रही है। तो ये अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ है? पता नहीं भैया, वो ठेकेदार का लापरवाही के कारण हो गया कि कुछ गिट्टी उट्टी डालता है और आधा आधा करके छोड़ देता है, पूरा नहीं हुआ है। इसमें रोलर वगैरह नहीं चलवाए? बिल्कुल नहीं चलाए हैं, कभी आज लाइच नहीं है, गिट्टी डाला मिट्टी डाला और कुछ रोलर कुछ नहीं चलाया। पानी वगैरह डाल दें? नहीं डाले हैं। रोड बनने के समय नहीं डाले हैं? तो इसके बारे में कभी आप लोग शिकायत किए थे अधिकारी के पास? हाँ, शिकायत किए थे, अधिकारी आके देख के गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह सड़क निर्माण के लिए मैं बीच बीच में संबंधित अधिकारी संबंधित विभाग में जाता रहा, इसकी जानकारी लेता रहा। ध्यान में रखकर किया जा रहा है, दूर नक्सली प्रभावित होने के कारण काम करवाना हमारे बस में नहीं है ऐसा। ये मुनगा पदर से जो हीरा मांडला जाने वाला रोड नहीं बना था ठीक से, 3 साल से अधूरा था और अभी बन पाया है, बन गया है। RTI लगाकर काम की जानकारी मांगी एवं दबाव बनाया, क्योंकि कार्यस्थल में कोई भी ऐसी जानकारी साइन बोर्ड नहीं लगी थी। जब हमें पता चला कि 2016 में कार्य पूर्ण होने का था, तो हमने इंजीनियर शोभित जैन से लगातार संपर्क बनाए रखा एवं दबाव बनाया। इस मार्ग के पूर्ण होने से आज लगभग 2000 लोगों को फायदा पहुंचेगा। यह मार्ग से चलने वाले खुश नजर आ रहे हैं और इस गांव के लोग भी खुश हैं। किसके प्रयास से ये हो पाया? आपके मीडिया वाले से भी और अधिकारी कर्मचारी से। तो इसके लिए आप किसे धन्यवाद देना चाहेंगे? अधिकारी को भी देना धन्यवाद देना चाह रहे हैं और आपको मीडिया वाले को भी। खिरेंद्र यादव, इंडिया अनहर्ड के लिए, कोंडागांव, छत्तीसगढ़।